हे गाइस, वेलकम बैक टू द लर्निंग एजल। तो स्टूडेंट्स, आज फिर से हम करेंगे एक मेंस लेवल की पजल। अगेन ये एक स्टूडेंट का डाउट है, मुझे एग्जैक्ट सोर्स नहीं पता ये कौन से सोर्स का पजल है। तो आज का जो पजल है दैट्स अगेन अ मेंस लेवल पजल। आई होप आप लोगों को पुरानी वीडियो पसंद आई होगी। पिछली वीडियो में आपने कुछ अप्रोच जरूर सीखी होगी। तो देखते हैं आज की पजल में क्या है। तो गाइस आप क्या करेंगे, तो गाइस आपको ये करना है कि आपको स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप लोगों को ट्राई करनी है ये पजल। हाफ एन आवर लगाइए, 20 मिनट्स लगाइए, जितना मर्जी टाइम लगाइए और इस पजल को सोल्व करने की ट्राई करिए। ठीक है, जब तक खुद से ट्राई नहीं करोगे तब तक मेंस के लिए, पेपर के लिए प्रिपेयर नहीं हो पाओगे। तो देखते हैं इस पजल को किस तरह से करना है। चलिए जी, तो मैंने जो ये पजल है इसको 2 पेजेस पे रखा है। इस पेज पे मैं आपको इंस्ट्रक्शंस नोट करना सिखाऊंगी। अगले पेज पे ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस नोट की हुई है, तो वहां से मैं आप लोगों को सॉल्व करना सिखाऊंगी किस तरह से उसको सॉल्व किया गया। चलिए जी, शुरू करते हैं आज की पजल। चलिए, सबसे पहले लिखा हुआ है, द कैंडिडेट हु वाज कॉल्ड फॉर इंटरव्यू इन द सिटी ऑफ मुंबई वाज इन द लास्ट शिफ्ट वॉज इन द लास्ट शिफ्ट ऑफ 24th फेब। मतलब सबसे पहली जो इन्फॉर्मेशन गिवन है दैट इज कि जो मुंबई वाला है, अगर मेरे पास चार्ट बना होता तो मैं डायरेक्टली फिट कर लेती। वो 3rd शिफ्ट में आएगा और कौन सी डेट पे आएगा, 24th को आएगा जी। चलिए जी आगे देखते हैं। तरुण और कैंडिडेट जो कि इंटरव्यू देता है चेन्नई में, वो इंटरव्यू ऑन द सेम डेट। चलिए, तरुण और चेन्नई वाला बंदा, ठीक है, जो चेन्नई वाला पर्सन है, ये दोनों सेम डेट पे इंटरव्यू देते हैं। नेक्स्ट अप इज मैक्सिमम 2 पर्सन कैंडिडेट वो कॉल्ड फॉर इंटरव्यू इन 1 शिफ्ट। एक शिफ्ट में मिनिमम हमारे पास कितने लोग होने चाहिए, 2 लोग होने चाहिए एक शिफ्ट में। कुरेशी जो इंटरव्यू देगा इन विच मोर देन 2 पर्सन इन एक्सक्लूडिंग हिमसेल्फ, उसने अपने आप को छोड़ के उसने कहा कि 2 लोग और होने चाहिए, 2 लोग से ज्यादा लोग और होने चाहिए मेरी शिफ्ट में। ठीक है, दैट मीन्स कुरेशी और 2 से ज्यादा लोग होंगे उसी की शिफ्ट में। ये शिफ्ट है, ये डेट है, हर चीज को अलग अलग से लिखिए। विवेक नीदर अपेयर्ड इन द इंटरव्यू बिफोर द वन हु हैज इंटरव्यू वाज शेड्यूल्ड अहमदाबाद। ना तो अहमदाबाद वाले से पहले देगा इंटरव्यू और ना ही वो चेन्नई वाले के बाद में इंटरव्यू देगा एज पर द डेट ऑफ द इंटरव्यू। और ये सारे के सारे डिफरेंट डेट्स पे इंटरव्यू देते हैं। दैट मीन्स वी कैन राइट इट लाइक कि चेन्नई वाले के बाद में विवेक नहीं आएगा और अहमदाबाद से पहले वाले में भी विवेक नहीं आएगा, और इन सब की जो डेट्स हैं वो भी क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द कैंडिडेट हुज इंटरव्यू वॉज शेड्यूल्ड एट कोलकाता वॉज इन एन अर्लियर शिफ्ट। अर्लियर कोई भी हो सकती है, अगर वो थर्ड पे है तो सेकेंड और फर्स्ट में से कुछ भी हो सकता है कोलकाता वाला, और अगर वो सेकेंड पे है तो फॉर श्योर है कि वो फर्स्ट शिफ्ट में ही जाएगा। ठीक है, तो जो कोलकाता वाला है वो लखनऊ वाले से कहीं पहले जाने वाला है, ये बात हो रही है शिफ्ट की। नेक्स्ट अप इज कुरेशी वॉज नॉट टेकन इंटरव्यू इन मुंबई कोलकाता एंड बैंगलोर सेंटर्स। कुरेशी ने मुंबई, कोलकाता और बैंगलोर इन तीनों सेंटर्स में इंटरव्यू नहीं देना है। वाजिद अपेयर्ड इन एन इंटरव्यू इन द शिफ्ट व्हिच वाज जस्ट बिफोर द वन हु गेव द इंटरव्यू ऑन बैंगलोर। मतलब वाजिद की जो शिफ्ट आएगी वो बैंगलोर वाले से एकदम पहले वाली आएगी। ठीक है, दैट मीन्स वाजिद कभी 3rd शिफ्ट में इंटरव्यू नहीं देगा। संतोष गेव इंटरव्यू इन द सेम शिफ्ट एज दैट ऑफ द पर्सन हुज इंटरव्यू वाज शेड्यूल्ड इन 23rd फेब और पुणे में। देखो ये तो हमें पता चल गया कि संतोष जो है वो 23rd फेब को जो पुणे में बंदा इंटरव्यू दे रहा है उसी बंदे के साथ इंटरव्यू देने वाली है। ठीक है, उसकी ही शिफ्ट में इंटरव्यू देने वाली है। तो यहाँ से हमें एक और चीज पता चली कि 23rd फेब को एक इंटरव्यू जो है वो कहाँ होने वाला है, पुणे में होने वाला है। नेक्स्ट अप इज परेश, फर्स्ट शिफ्ट में इंटरव्यू देगा, 24th को देगा, गुवाहाटी में देगा। भाई सब कुछ ही गिवन है इसके बारे में, 24th, फर्स्ट एंड देन इज गुवाहाटी। दैट्स नाइस। ये पॉइंट्स वो पॉइंट्स हैं, लाइक पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, ये जो पॉइंट्स हैं ये डेफिनेट इंफॉर्मेशन है हमारी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन्हीं को फिल करेंगे। नेक्स्ट अप इज उमर गिव इंटरव्यू ऑन 23rd फेब। उमर जो है वो 23rd को इंटरव्यू देगा। अगेन ये भी हमारे पास क्या आ गई, एक डेफिनेट इंफॉर्मेशन आ गई। बट ये जो है ना तो वो अहमदाबाद में देने वाला है और ना ही ये बैंगलोर में इंटरव्यू देने वाला है। ठीक है जी,
आगे लिखा है विवेक और वाजिद जो है वो इंटरव्यू में अपेयर नहीं होंगे 22 को। विवेक एंड वाजिद जो है वो 23 को इंटरव्यू नहीं देंगे, 22 को इंटरव्यू नहीं देंगे। ओनली वन पर्सन अपेयर इन द इंटरव्यू विद रोहित ऑन द सेम डेट बट बोथ ऑफ देम अपेयर इन इंटरव्यू इन सेम शिफ्ट। देखो अच्छा यहाँ गाइस एक चीज ध्यान से नोटिस करना कि राहुल के साथ सिर्फ एक ही पर्सन है। और एक और चीज बोलिए, ये दोनों सेम डेट पर और सेम ही शिफ्ट पे इंटरव्यू देंगे। दैट मींस कोई एक डेट है जहां पे हमारे पास दो पर्सन आने वाले हैं, एक डेट सेम डेट और सेम शिफ्ट में दो पर्सन आने वाले हैं। अभी तक गाइज हमारे पास 9 शिफ्ट्स थी टोटल, क्योंकि हमारे पास 3 दिन थे, हर 3 दिन में हमारे पास कितनी शिफ्ट होती थी, तीन तीन शिफ्ट थी, 8 लोग थे। तो हमें लगा था पहले कि एक वेकेंट जाएगा, लेकिन अगर एक ही पोजीशन पे 2 लोग आ गए तो मतलब 7 जगहें भरी जाएंगी, और 2 जगहें कौन सी आने वाली है हमारे पास वेकेंट। क्लियर? चलिए जी आगे देखते हैं। द कैंडिडेट हु अपेयर्ड इन द इंटरव्यू एट अहमदाबाद बैंगलोर एंड 23 फेब गिव इन दिस लास्ट शिफ्ट। चलिए जी अहमदाबाद वाला बंदा, बैंगलोर वाला एंड साथ में आता है हमारे पास 23 फेब वाला। ये तीनों के तीनों कब देंगे थर्ड शिफ्ट में इंटरव्यू देने वाले हैं। नेक्स्ट अप इज तरुण गिव इंटरव्यू इन द लास्ट शिफ्ट बट नॉट ऑन 23। जो तरुण है वो थर्ड शिफ्ट में देगा लेकिन 23 को नहीं देगा, मतलब 22 या 24 में से किसी भी दिन दे सकता है। विवेक जो है वो लखनऊ सेंटर में अपेयर होगा, विवेक जो है दैट्स फोर श्योर कि वो लखनऊ सेंटर में अपेयर होगा। एंड जिसका अहमदाबाद में इंटरव्यू है और जिसका बैंगलोर सेंटर में इंटरव्यू है, इन दोनों की डेट सेम है। अहमदाबाद एंड बैंगलोर वालों की डेट सेम है, और डेट कौन सी नहीं हो सकती, 24। अच्छा गाइस देखो यहाँ पे तीसरी शिफ्ट में 23 वाला है, बैंगलोर वाला है, अहमदाबाद है, तो 3 लोग तो एक जगह नहीं हो सकते। दैट मीन्स अगर ये 24 को नहीं आएगा तो ये कौन सी डे को चला गया, ये दोनों जाएंगे 22 को। नेक्स्ट संतोष अपेयर्ड फॉर इंटरव्यू इन चेन्नई। संतोष जो है वो कब जाएगा, चेन्नई में जाएगा। एंड वाजिद जो है वो कोलकाता नहीं जाएंगे भाई, वाजिद जी को कहाँ नहीं जाना, कोलकाता नहीं जाना। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पेज पे किस तरह से हम इसको प्रोसीड करने वाले हैं। देखो गाइज यहाँ मैंने ऑलमोस्ट सारी इन्फॉर्मेशन लिखी है, मेरे पास 3 पॉइंट्स है जो मैं यहाँ पे छूट गए थे। पहला वाला पॉइंट अगर आपको याद होगा तो वो था मुंबई वाला कि थर्ड शिफ्ट में जाएगा और 24 को जाएगा। एक पॉइंट जो मैंने मिस किया था वो है परेश वाला, फर्स्ट शिफ्ट 24 को गुवाहाटी जाएगा। एंड एक जो मैंने पॉइंट मिस किया था यहाँ लिखने से, दैट इज उमर वाला, कि उमर जो है वो 23 तारीख को जाएगा। चलिए बाकी सारे पॉइंट्स यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले इन्हीं को फिट करते हैं। उससे पहले 21 की फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड शिफ्ट, 23 की फर्स्ट सेकंड और थर्ड शिफ्ट, एंड अगेन 24 की फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड शिफ्ट। मुंबई की थर्ड शिफ्ट, सॉरी जो मुंबई वाला है वो थर्ड शिफ्ट में जाने वाला है। परेश 24 की फर्स्ट शिफ्ट में जाएगा और कहाँ जाएगा, गुवाहाटी जाएगा। चलो जी जाओ। उमर जो है वो 23 को जाएगा लेकिन वो बैंगलोर और अहमदाबाद नहीं जा सकता। तो गाइज इसके लिए हम एक और चीज करते हैं, हम यहाँ पे सारी के सारी सिटीज के नाम लिख लेते हैं, जिससे हमें पता चलता रहेगा कौन कौन सी सिटीज हम अभी तक सॉल्व कर चुके हैं। मुंबई है, गुवाहाटी है हमारे पास, अहमदाबाद है, बैंगलोर है, चेन्नई है। मुझे आपको समझाने में भी आसानी रहेगी इससे। अहमदाबाद के बाद मेरे पास और थी शायद कोलकाता, देन इज पुणे एंड देन इज लखनऊ। चलिए जी फिल कर लेते हैं। सबसे पहले विवेक जो है वो लखनऊ जाता है, तो ये वाला इंफॉर्मेशन उठा के मैंने यहाँ लिख दिया। संतोष चेन्नई जाती हैं, तो ये आ गई मेरी संतोष जी। चलिए सबसे पहले इंफॉर्मेशन ये आते हैं हम अहमदाबाद बैंगलोर और 23 वाले पे। देखो 23 पे तो एक लास्ट शिफ्ट पे कोई बंदा जाने वाला है, तो वो अहमदाबाद और बैंगलोर से तो नहीं होगा। अगर होता तो वो यहाँ पे थर्ड पर्सन नहीं बोलते। यहाँ पे अहमदाबाद और बैंगलोर, एक और चीज थी, ये दोनों सेम डेट पे जाएंगे, ये दोनों सेम डेट पे जाएंगे।
तो ये दोनों 23 में फिर नहीं हो सकते, दैट मीन्स कि हमारे पास अहमदाबाद और बैंगलोर के लिए बची जगह थी थर्ड वाला, कौन सी थर्ड शिफ्ट, 22nd की थर्ड शिफ्ट। आई गेस ये वाला और ये वाला भी हमारा क्लियर हो गया, क्योंकि दोनों ही ये तीनों थर्ड शिफ्ट में जा रहे थे। अच्छा गाइज, यहाँ एक और चीज लिखी है, राहुल और सिर्फ एक ही पर्सन है जो कि सेम डेट और सेम शिफ्ट में जाएंगे। यहाँ से हमें शायद ये समझ में आता है कि इन अहमदाबाद और बैंगलोर में से एक पर्सन जो है वो कौन होगा, या तो राहुल बैंगलोर जा रहा है या तो फिर अहमदाबाद जा रहा है। आई गेस यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगर मैं आगे बात करूं तो हमारे पास आता है उमर, ठीक है। उमर कौन सी डेट पे जाने वाला है, 23 तारीख को, ये हमने देखा था। उमर जो है वो 23rd को जाएगा। उससे पहले कुछ और अगर हम देखना चाहें तो दैट इज सरोज, सॉरी संतोष। संतोष जो है वो चेन्नई जाएगी, पहली चीज। उसके अलावा संतोष संतोष उसी शिफ्ट में जाएगी जो कि 23rd फेब को पुणे जाएगी। देखो गाइज, अगर मैं यहाँ पे पुणे वाला पर्सन भेजती हूँ, अगर मैं यहाँ पर पुणे वाला पर्सन भेजती हूँ, तो क्या यहाँ पे पुणे आ सकता है, नहीं आ सकता, ठीक है। ये अगर यहाँ पे पुणे वाला पर्सन भेजूंगी तो क्या संतोष की शिफ्ट 24 को हो सकती है, नहीं। अगर यहाँ पुणे भेजती हूँ तो संतोष जो थी वो चेन्नई जाती है, यहाँ तो ऑलरेडी मुंबई लिखा है, तो यहाँ से कंफर्म हुआ कि पुणे वाला पर्सन इस डेट पे जाएगा और संतोष जो है वो इस डेट पे जाएगी। और संतोष को जाना कहाँ है, चेन्नई। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैम 22nd को क्यों नहीं लिया, क्योंकि गाइस यहाँ पे गिवन था कि राहुल सेम डेट और सेम शिफ्ट में सिर्फ एक ही पर्सन को लेकर जाने वाला है। एंड सेकेंडली सेकेंडली जो यहाँ पे मेंशन है कि हमारे पास जो कुरेशी है, और कुरेशी जो है दो से ज्यादा लोगों के साथ सेम शिफ्ट में जाएगा। अब कुरेशी दो से ज्यादा लोगों के साथ अगर सेम शिफ्ट में जाएगा तो आपके अकॉर्डिंगली मैक्सिमम पर्सन कौन से शिफ्ट में जा सकते हैं, सिर्फ थर्ड शिफ्ट में, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे दो आ चुके हैं, तीसरा ये और एक यहाँ पे और आ जाएगा। दैट मीन्स कि इनमें से एक फ्लाइट जो है वो किसकी है, कुरेशी की, ठीक है। एक जो पर्सन है या तो कुरेशी अहमदाबाद जाने वाला है या तो बैंगलोर जाने वाला है। अब देखो कुरेशी के लिए यहाँ पे गिवन था कि कुरेशी बैंगलोर नहीं जाएगा, तो कुरेशी कहाँ चला जाएगा, अहमदाबाद, और साथ में बैंगलोर में कौन चला जाएगा, फिर राहुल। ये वाला काम भी हमारा खत्म हो गया। अब बात आती है उमर की, तो उमर जो है वो ना तो बैंगलोर जाएगा ना तो अहमदाबाद जाएगा। चलिए जी, उमर जी ना तो बैंगलोर जा रहे हैं ना तो अहमदाबाद जा रहे हैं, चेन्नई ऑलरेडी परेश ने ले लिया, मुंबई में वो जा नहीं सकता क्योंकि वो कौन सी डेट को है, 24th को है, ठीक है। एंड बात आती है आगे कोलकाता की, तो ठीक है उमर जो है वो कोलकाता जा सकता है अभी फिलहाल के लिए। उमर पुणे जा सकता है, यानी उमर क्या पुणे जा सकता है, बिल्कुल उमर पुणे भी जा सकता है। तो यहाँ पे उमर की दो जगहें बची हैं, या तो वो पुणे के वाले के साथ जाएगा या तो फिर वो कोलकाता वाले के साथ जाएगा। तो हमने ये वाला भी कंप्लीट कर दिया। अच्छा, इसके अलावा लिखा था टी, जो भी टी वाला पर्सन है, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं याद इनका, दैट इज शायद तरुण थे, है ना। तरुण जो है वो 23rd को जाएगा और सेम शिफ्ट में जाएगा किसके साथ, तरुण जो है वो थर्ड शिफ्ट में जाएगा और किसके साथ जाएगा, सेम डेट पे जाएगा जिस डेट पे चेन्नई गया था। अच्छा देखो, चेन्नई जो है वो सेकेंड शिफ्ट में गया है, ठीक है। तो इनकी जो सेम डेट है, सेम डेट पे जाएगा चेन्नई के साथ, तो चेन्नई तो 24th को जा रहा है और तरुण जाता भी थर्ड शिफ्ट में है, तरुण थर्ड शिफ्ट में जाता है, तो हमारे पास तरुण की पोजीशन कौन सी आ गई, ये वाली। आई गेस यहाँ तक कंप्लीट होगा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। ये भी कंप्लीट हो गया और ये भी कंप्लीट हो गया। आगे और क्या बचा है हमारे पास, ये भी हम कर चुके हैं। विवेक और वाजिद 22 को नहीं जाएंगे, तो विवेक और वाजिद को भेजने की हमारे पास सिर्फ यही जगह बची। तो हमारे पास उमर, विवेक, वाजिद, ये सारे के सारे कौन सी डेट्स पे जा रहे हैं, 23rd को, ठीक है। हमारे पास विवेक, उमर और वाजिद, ये तीनों जाएंगे 23rd को। अब देखो हमारे पास अहमदाबाद कंप्लीट हो चुका है, ये कुरेची ने ले लिया। बैंगलोर कंप्लीट हो गया, ये राहुल ने ले लिया, डन। अब मुंबई बचा है कोलकाता और पुणे, हमारे पास तीन जगह बची, सॉरी मुंबई भी कंप्लीट है, यहाँ पे आ गया हमारा तरुण। अब मेरे पास कोलकाता और पुणे बचा है, और कोलकाता और पुणे दोनों में ही अगर मैं वाजिद की बात करूं तो वाजिद जो है वो कोलकाता नहीं जाएगा,
अगर वाजिद कोलकाता नहीं जाएगा तो वाजिद कौन सी जगह पे जाएगा? पुणे में। और साइमल्टेनियसली उमर की बात करें तो उमर कहाँ चला गया? कोलकाता में। तो यहां से हमें जैसे ही ये मिला तो हमने फिट कर दिया किसको? वाजिद साहब को। अब एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे थी, ये वाजिद बैंगलोर वाले से एक पहली शिफ्ट में जाएगा, ठीक है? जो भी बैंगलोर की शिफ्ट है उससे एक पहली शिफ्ट में वाजिद जाएगा, तो बैंगलोर फिर कहाँ आ जाएगा? अगर वाजिद सेकेंड शिफ्ट में है तो बैंगलोर वाला आ जाएगा थर्ड, सॉरी वो तो ऑलरेडी हम मेंशन कर चुके हैं, वन सेकेंड, सॉरी ये हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं। यहाँ पे एक और पॉइंट है, दैट इज ये लखनऊ एंड कोलकाता। कोलकाता वाला लखनऊ से किसी एक पहली शिफ्ट में जाने वाला है, दैट मींस कि हमारे पास जो दो जगहें बची हैं वहां पे कोलकाता यहाँ आ जाएगा और लखनऊ यहाँ आ जाएगा, और लखनऊ में जाते हैं विवेक जी एंड कोलकाता में जाता है उमर। तो गाइज ये है आपका फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ दिस पजल। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम चैनल का लिंक अभी आपको दे देती हूँ, ये रहा, आप यहाँ पे मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप लोग मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी फ्री क्लासेस देख सकते हैं अनअकैडमी के ऊपर। और अगर आप मेरे बैच को ज्वाइन करना चाहें प्लस बैच को, तो आप TLE10 कोड यूज करके मेरा बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? सो थैंक यू सो मच गाइस। क्लास आपको कैसी लगी वो फीडबैक जरूर दें, और थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।